दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमों का प्लेइंग 11 पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन का आयोजन होने वाला है और मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमों के स्क्वाड में काफी सारे नए प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी 10 टीमों की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 बताएंगे, यानी कि आईपीएल 2022 में सभी टीमें कौन से प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी 10 टीमों के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सभी टीमों के प्रेडिक्टेड यानी कि संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे। तो इस लिस्ट की पहली टीम है लखनऊ सुपर जायंट की टीम, और इस टीम का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन करेंगे केएल राहुल और अरुण फिंच, तीसरे नंबर पर केएस भरत, चौथे नंबर पर लियाम लिविंगस्टन, पांचवें नंबर पर महिपाल लोमडोर, छठवें नंबर पर मार्कस स्टोनिस, सातवें नंबर पर जयंत यादव, आठवें नंबर पर रवि बिश्नोई, नौवें नंबर पर जयदेव उनादकट, दसवें नंबर पर कमलेश नागरकोटी और ग्यारहवें नंबर पर मुस्ताफिजुर रहमान। तो लखनऊ टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है पांच बार की चैंपियन यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम, और इस टीम का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन करेंगे रोहित शर्मा और डेवोन कॉनवे, तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, चौथे नंबर पर नीतीश राणा, पांचवें नंबर पर विजय शंकर, छठवें नंबर पर कैरन पोलार्ड, सातवें नंबर पर जेसन होल्डर, आठवें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, नौवें नंबर पर शिवम मावी, दसवें नंबर पर युजवेंद्र चहल और ग्यारहवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है पंजाब किंग्स की टीम, और इस टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं मयंक अग्रवाल और एलेक्स एल्स, तीसरे नंबर पर मिचेल मार्स, चौथे नंबर पर स्टीव स्मिथ जो कि इस टीम के कप्तान भी बन सकते हैं, इसके बाद पांचवें नंबर पर दिनेश कार्तिक, छठवें नंबर पर सरफराज खान, सातवें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, आठवें नंबर पर राहुल चहर, नौवें नंबर पर कैगिसोर अबाडा, दसवें नंबर पर दीपक चहर और ग्यारहवें नंबर पर अर्शदीप सिंह। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और इस टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड और शिखर धवन, तीसरे नंबर पर मोइन अली, चौथे नंबर पर सुरेश रैना, पांचवें नंबर पर एमएस धोनी, छठवें नंबर पर शाहरुख खान, सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर पर आर अश्विन, नौवें नंबर पर लॉकी फर्ग्यूसन, दसवें नंबर पर जेम्स फॉकनर और ग्यारहवें नंबर पर लुंगी एनगीडी। तो इस टीम का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकता है, हालांकि ये टीम ऑक्शन में एक इंडियन फास्ट बॉलर को खरीदेगी यानी कि शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और हर्षल पटेल में से एक प्लेयर को ये टीम लोअर ऑर्डर के लिए खरीदेगी। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और इस टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं वेंकटेश अय्यर और क्रिस लिन, तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर जो कि इस टीम की कप्तानी करेंगे, चौथे नंबर पर अंबाती रायडू, पांचवें नंबर पर मैथ्यू वेड, छठवें नंबर पर आंद्रे रसेल, सातवें नंबर पर सुनील नारायण, आठवें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा, नौवें नंबर पर चेतन सकारिया, दसवें नंबर पर उमेश यादव और ग्यारहवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा इंडिया के सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडियना के बारे में, जहां पर क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये 85 ब्रांच पर ऑपरेट होती है। इसके साथ ही आपको 24/7 का विड्रॉल भी मिलता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पिन कमेंट में दिए लिंक से इनको अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है अहमदाबाद की टीम, और इस टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं शुभमन गिल और फाफ डू प्लेसिस, तीसरे नंबर पर रॉबिन उथप्पा, चौथे नंबर पर सैम बिलिंग्स, पांचवें नंबर पर यान पड़ा
चिराग, छठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पर मुरुगन अश्विन, आठवें नंबर पर आसिद खान, नौवें नंबर पर दीपक चहर, दसवें नंबर पर ईशांत शर्मा और ग्यारहवें नंबर पर जोसेज एलवुड। तो अहमदाबाद टीम का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कुछ इसी प्रकार से हो सकता है। इसके बाद ही इस लिस्ट की सातवीं बड़ी टीम है आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। और इस टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं डेविड वार्नर और विराट कोहली, तीसरे नंबर पर ईशान किशन, चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें नंबर पर जॉनी बेरेस्टो, छठवें नंबर पर अभिषेक शर्मा, सातवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, आठवें नंबर पर हर्षल पटेल, नौवें नंबर पर एडम जाम्पा, दसवें नंबर पर टी नटराजन और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज। तो आरसीबी का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकता है। हालांकि इस टीम को ऑक्शन में ईशान किशन और बेरेस्टो में से कोई एक प्लेयर ही मिल पाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम। और इस टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर संजू सैमसन, चौथे नंबर पर सिमरन हेटमायर, पांचवें नंबर पर साकिब अल हसन, इसके बाद छठवें नंबर पर शिवम दुबे, सातवें नंबर पर राहुल तेवटिया, आठवें नंबर पर कृणाल पांड्या, नौवें नंबर पर पैट कमिंस, दसवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और ग्यारहवें नंबर पर कार्तिक त्यागी। तो आरआर टीम का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कुछ इसी प्रकार से हो सकता है। तो आपके हिसाब से राजस्थान का प्लेइंग 11 कैसा होना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और इस टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं पृथ्वी शॉ और राहुल त्रिपाठी, तीसरे नंबर पर एडन मार्करम, चौथे नंबर पर ऋषभ पंत, पांचवें नंबर पर निकोलस पूरन, छठवें नंबर पर दीपक हुड्डा, सातवें नंबर पर अक्षर पटेल, आठवें नंबर पर कुलदीप यादव, नौवें नंबर पर टाइमन मिल्स, दसवें नंबर पर एनरिक नोरखिया और ग्यारहवें नंबर पर आवेश खान। तो दिल्ली का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 इस प्रकार से हो सकता है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और इस टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं देवदत्त पड्डीकल और क्विंटन डिकॉक, तीसरे नंबर पर केन विलियमसन, चौथे नंबर पर मनीष पांडे, पांचवें नंबर पर कार्लोस ब्रैथवेट, छठवें नंबर पर अब्दुल समद, सातवें नंबर पर शहबाज अहमद, आठवें नंबर पर ड्वेन ब्रावो, नौवें नंबर पर मोहम्मद शमी, दसवें नंबर पर नवदीप सैनी और ग्यारहवें नंबर पर उमरान मलिक। तो हैदराबाद का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 इस प्रकार से हो सकता है। तो यही था सभी 10 टीमों का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। तो आपके हिसाब से आपकी टीम की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में टेलीग्राम पर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।